नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव न्यूज और मैं हूं विजयदत्त पिंटू। झारखंड की राजनीति में नित नए मोड़, नित नए घटनाक्रम और लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि यहाँ के कांग्रेस पार्टी के विधायक तीन, यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है। इस गठबंधन की सरकार में मुख्य घटक दल तीन हैं। पहला है जो सबसे ज़्यादा सीटों के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीसरी है राष्ट्रीय जनता दल। अब इन तीनों ही पार्टियों का गठबंधन का यहाँ पे यूपीए की जो सरकार चल रही है, जब ये सरकार बनी थी 2019 में, उस समय तय हुआ कि इस सरकार में जब 2.5 साल हो जाएंगे तो उस समय इस सरकार के जो कार्य करने वाले जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों का जो कार्य रहेगा, जिस तरह का प्रदर्शन रहेगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा के उपरांत अगर ज़रूरी हुआ तो मंत्रिमंडल में फेर बदल किया जाएगा। 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, मंत्रियों का बदलना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि हमने देखा कि सारे के सारे मंत्रियों में जो आपस में जो उनका पार्टी का तालमेल है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। आपसी विवाद बहुत ज़्यादा रहा और इन कारणों से ये जो विधायकों का असंतोष रहा, पार्टी के साथ में मंत्रियों के तालमेल की कमी बार बार देखी गई। तो इन वजहों से बात उठी कि अब जब 2.5 साल हो गए हैं तो कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाए। अब ये सारी बातें होनी शुरू होती उससे पहले ही कुछ लोगों ने अपनी अलग ही रचनात्मकता दिखाई। हमने देखा कि जैसे जैसे समय करीब आता गया, वैसे वैसे कांग्रेस के अंदर में बहुत ज़्यादा हलचल, बहुत ज़्यादा आपस में घटनाक्रमों में बदलाव देखने को मिला। और अचानक से एक बड़ी घटना घटती है, भारी मात्रा में नकदी के साथ कांग्रेस के तीन विधायक पकड़े जाते हैं। जैसे वो तीन विधायक पकड़े जाते हैं, यहाँ पर राजधानी रांची में कांग्रेस के एक विधायक आते हैं सामने और वो उन तीन विधायकों पर केस कर देते हैं कि वो सरकार को गिराने के लिए यहाँ उनको प्रलोभन दिए थे और बुलाए थे, उनको 10 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का ऑफर मिला था। ये सारी बातें चल रही थी। उसके बाद फिर हुआ कि 2.5 साल हो चुके हैं, जो एक आधिकारिक रूप से जो बात सामने आनी थी वो सामने आने लगी कि 2.5 साल पूरे हो चुके और अब सरकार का चेहरा में आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आता जाएगा तो जनता को दिखना चाहिए कि सरकार ने काम किया। और कामों का आकलन होता है जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं उनके कामों से। मुख्यमंत्री पर तो कोई विवाद ही नहीं है, इस पूरे गठबंधन का चेहरा शुरू से तय है कि हेमंत सोरेन ही रहेंगे। अब बात रही मंत्रियों की, तो कांग्रेस के मंत्रियों के प्रदर्शन से खुद कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रख रही कि बहुत अच्छा काम कर रहे। ऐसे में लगभग यह तय है कि कांग्रेस के मंत्रियों को बदला जाएगा। हाँ, चर्चा यह भी है राजनीतिक गलियारे में, कई राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जेएमएम के भी कुछ मंत्रियों को बदला जाना चाहिए। राजद क्या, चूँकि एक ही विधायक सत्यानंद भोक्ता हैं और वो मंत्री हैं, तो वहाँ पर तो फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही। संभव है पूरी तरह से कि सत्यानंद भोक्ता जो श्रम मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनका पद बना रहेगा। हाँ, मंत्रालय में हो सकता है कुछ तब्दीली देखने को मिले, तो यह देखना आगे दिलचस्प होगा। अब यहाँ हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा आपसी संवाद की कमी देखी गई। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कांग्रेस के जो भी विधायक रहे उनमें आपस में संवाद बहुत कम मिला, जैसे पहले देखने को मिलता था। जो पिछला सत्र था, जो साल के शुरुआत में हुआ था, तो उस सत्र में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपस में कांग्रेस के विधायकों का मिलना जुलना, हंसी मजाक, एक साथ बैठ करके बातें करते, कुछ खाते पीते साथ दिखते थे। इस बार जैसे लगा कि कुछ एक शीत युद्ध सा छिड़ा हुआ है और इस कारण इन लोगों का आपसी बात और संवाद बहुत ही कम देखने को मिला। और इस कारण से यह माना जाने लगा
कि जो 14 विधायक हैं वो 14 मंत्री पद की रेस में हैं, और जो कैश कांड हुआ, जो भारी नकदी के साथ में पकड़े गए 3 विधायक, उन लोगों की जो जांच आगे बढ़ रही है, तो उसमें खुद पकड़े गए विधायक जो कि इरफान अंसारी जामताड़ा के हैं, उनका एक बयान आता है सामने कि उनके साथ 5 विधायक थे। और सबसे जो दिलचस्प बात रही वो ये रही कि जो 14 विधायक हैं वो यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद वहाँ से सब की विमान गुवाहाटी जाती है, और गुवाहाटी से हो करके सारे के सारे घूम के आए हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि निःसंदेह हर कोई मंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, कोई भी इस मौके को चूकना नहीं चाहता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे कौन मंत्री बन पाते हैं और कौन पीछे छूट जाते हैं। मुख्यमंत्री गए हुए हैं दिल्ली, जो कि सारा का सारा निर्णय कांग्रेस आलाकमान तय करती है, वहाँ से जिनका नाम आएगा उन्हीं का नाम अंतिम रूप से माना जाएगा और उन्हीं को मंत्री पद मिलेगी। अब कांग्रेस आलाकमान किन नामों को अंतिम रूप देता है, किन नामों पर अंतिम रूप से सहमत हो करके यह मुख्यमंत्री जी को लिस्ट सौंपी जाती है कि इन नामों पर मुहर लग गई, इनको आप मंत्री बना लें, यह अभी इंतजार है इन सारी जानकारियों का। जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी हम आपके सामने पुनः आएंगे इसी प्रकार के ताज़ा अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहें कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ, मैं विजय दत्त पिंटू, दृष्टि नाव पर। जय हिंद।